दिन रविवार था, सुबह के 5 बज रहे थे। इसी दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक बनाई जा रही सुरंग के अंदर अचानक भूस्खलन हो गया। जब तक मजदूर कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी और सुरंग के एक हिस्से में 40 मजदूर फंस चुके थे। मजदूरों के साथ हुई इस घटना की जानकारी लगते ही हर तरफ हड़कंप मच गया। मजदूरों को बचाने के लिए मौके पर रेस्क्यू टीमें तक पहुंच गई। यहां तक कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें अपने काम में लगभग लग चुकी थीं। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। लेकिन राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसे सभी 40 मजदूर ठीक हैं, बल्कि मजदूरों को पानी की लाइन के जरिए ऑक्सीजन के साथ साथ खाने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। बकायदा इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया और तो और खुद सुरंग के अंदर जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का दौरा किया और आला अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर फिलहाल इस हादसे में अपडेट क्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच चुका है। तो आपको बता दें, सुरंग के टूटे हुए हिस्से में से मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मशीनें और डंपर लगाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बिना रुके जारी है। हालांकि कुछ चीजों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ रही है। बताया जा रहा है कि लगातार मिट्टी खिसकने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहिला का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हादसे के पास से ही सभी टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। सुरंग के अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल है, यहाँ एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पे मौके पे प्रशासन की, पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज हैं जैसे SDRF, NDRF, ITBP, हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है, जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिक्कतें क्या आ रही है इस टाइम? दिक्कतें यही आ रही हैं कि जो कोलैप्स हुआ है वहां से जब मलबा हटा रहे हैं तो और ऊपर से लूज मटेरियल गिर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ NHIDCL द्वारा शॉर्ट क्रिटिंग की जा रही है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि स्थिति अब बेहतर है, मजदूर सुरक्षित हैं। स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ हैं, करीब 40 अंदर हैं, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है, तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कॉन्क्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए, उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्वेट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से बिना रुके चल रहा है, उससे तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्दी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।